हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी की राइट। सो गाइस, मेरा नाम है अरविंद गौड और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ वाराणसी के टॉप प्लेसेस के बारे में और आप ये प्लेसेस को 2 नाइट 3 डेज में कैसे कवर करें जैसे हमने किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो गाइज, आप वाराणसी आ रहे हैं चाहे जैसे भी बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या बाय बस, आने के बाद आप होटल में चेक इन कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए होटल में। और होटल की बात करें तो वाराणसी काशी में रुकने के लिए आपको ढेर सारे होटल्स मिल जाएंगे, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा और बजट में अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे। हम जो होटल में रुके थे उसका नाम था अलका होटल, जो गंगा घाट से टच था और दशाश्वमेध घाट के नजदीक भी था। हमें ये होटल मिला था अराउंड 1500 में नॉन एसी और हमारे रूम से तो मस्त गंगा रिवर और घाट व्यू भी था गाइज। गाइज, अभी टॉप 11 प्लेसेस मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, आप ऐसे ही घूमेंगे तो आप इजिली ये प्लेसेस 3 डेज में कवर कर लेंगे जैसे हमने किया था। सो गाइज, टॉप 11 प्लेसेस है मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, गोदौलिया मार्केट, अस्सी घाट, काशी विश्वनाथ टेम्पल, भैरवनाथ टेम्पल, न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल, संकट मोचन टेम्पल, तुलसी मानस टेम्पल, श्री दुर्गा टेम्पल एंड लास्ट में आता है सारनाथ। पहले नंबर पर आता है मणिकर्णिका घाट। होटल में चेक इन करने के बाद, रेस्ट करने के बाद आप निकलिए घाट कवर करने के लिए और पहले तो आप जाइए मणिकर्णिका घाट पे। यहाँ पे आपको अलग ही फीलिंग होगी अच्छे से कवर करें मणिकर्णिका घाट। काशी के 84 घाटों में चर्चित एक घाट का नाम है मणिकर्णिका। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने पर व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसी कारण अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में इसी घाट पर आना चाहते हैं। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन के असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती है, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का शव दाह हो रहा होता है। मणिकर्णिका घाट हो जाने के बाद आप आइए दशाश्वमेध घाट और यहाँ पर गाइस आप अटेंड कीजिए इवनिंग की गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती के बाद आप निकल पड़े गोदौलिया मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। आपको यहाँ पे ढेर सारे सामान मिल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए और आपको खाने की काफी ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। शॉपिंग करने के बाद आप डिनर कीजिए और यहाँ के फेमस डिशेस ट्राई करो। डिनर के बाद जाइए होटल और अच्छे से रेस्ट कीजिए। उसके बाद अगले दिन आप मॉर्निंग में जल्दी उठे अराउंड 4:30 बजे। फ्रेश होने के बाद आप निकल पड़ी 80 घाट की ओर मॉर्निंग बोट राइड के साथ। बीच में टाइम मिले तो गंगा में स्नान कर लीजिए, उसके बाद मॉर्निंग की गंगा आरती अटेंड कीजिए 80 घाट पर। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितम्। और फिर मॉर्निंग बोट राइड जरूर करें, इससे आपको सारे 88 घाट देखने मिल जाएंगे और वो भी प्यारे सनराइज के साथ में। बोट राइड के बाद आप निकल पड़े काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन के लिए और गाइस, घाट टच ही काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, वहाँ से जाइए, डायरेक्ट टेम्पल की एंट्री है। यहाँ से आपको टेम्पल में कुछ 1 से 2 घंटे लगेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक अलग ही स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रोजेक्ट की विशालता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट अब लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि पहले संबंधित परिसर लगभग 3000 वर्ग फुट तक ही सीमित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले फेज को लोगों को समर्पित कर दिया है। काशी विश्वनाथ टेंपल के दर्शन के बाद आप निकल पड़े भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए।
भैरव बाबा दर्शन के बाद वहां से चले जाइए बीएचयू यूनिवर्सिटी और वहां पर दर्शन कीजिए न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल के। न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन के बाद कुछ 2 किलोमीटर बाद संकट मोचन हनुमान टेम्पल है, वहाँ दर्शन कीजिए। सो गाइस आ गया हूँ मैं भी संकट मोचन हनुमान टेम्पल और यहाँ पे मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है तो फिर मैं दर्शन कर गया था, फिर मिलता हूँ आपको। और कुछ ऐसा है बाहर से तो हो गया दर्शन संकट मोचन हनुमान जी मंदिर का और बहुत ही अच्छा था। अंदर आपको बहुत सारे स्वीट्स मिलेंगे, आप खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं भगवान को और बहुत शांति है अंदर। तो मोबाइल अलाउड नहीं था लेकिन अच्छा लगा जाके। अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो एक बार जरूर जाना, बहुत ही अच्छा टेम्पल है। संकट मोचन हनुमान टेम्पल के बाद आप दर्शन कीजिए तुलसी मानस टेम्पल के। तो आ गया अभी मैं श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर में और संकट मोचन से बस कुछ ही मीटर पे है तो समझिए 500 और 600 मीटर पे मिल जाएगा संकट मोचन हनुमान मंदिर के श्री तुलसी मानस मंदिर। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा है। हो गए सत्यनारायण तुलसीदास जी के दर्शन और बहुत ही अच्छा टेंपल है अंदर, और भी अच्छा है, सब कुछ आके देखिए यहाँ पे, एक बार विजिट कीजिए अगर आप आ रहे हो काशी। तो तुलसी मानस टेम्पल के बाद आप दर्शन कीजिए श्री दुर्गा टेम्पल के। तो अभी मैं हूँ दुर्गा माता टेम्पल में और ये जो है तुलसी मानस टेम्पल से बस 200 मीटर की दूरी पे है। बहुत ही अच्छा टेम्पल है दुर्गा माता टेम्पल, आइए यहाँ पे विजिट कीजिए। इसके बाद आप कीजिए लंच और ट्राई कीजिएगा ये सब प्लेसेस, आपका दोपहर तक खत्म हो जाए लंच के साथ में। फिर आप निकल पड़िए सारनाथ के लिए, कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पर है सारनाथ। सारनाथ जाइए और अच्छे से एक्सप्लोर करो सारनाथ टेंपल्स एंड ऑल प्लेसेस सारनाथ के। सो गाइस ये थे टॉप 11 प्लेसेस विजिट करने के लिए वाराणसी काशी में। जैसे मैं बताया आप उसी सीक्वेंस में विजिट करेंगे तो इजीली एक्सप्लोर कर लोगे वाराणसी 2 नाइट 3 डेज में। अगर आप वाराणसी जल्दी पहुंच जाओगे अर्ली मॉर्निंग में तो आप स्टार्ट करना काशी विश्वनाथ टेम्पल से और सीक्वेंस वाइज कवर कर लेना, आपको और भी अच्छा टाइम मिलेगा वाराणसी एक्सप्लोर करने में। सो गाइस मैंने ये सारे प्लेसेस बता दिया, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।